जलकल्प के विभिन्न भाग और उनके कार्य। जलकल्प वाटर फिल्टर का सबसे बड़ा घटक उसका बर्तन है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बना है। जलकल्प का ढक्कन उसके अंदर कीड़े और अन्य चीजों को जाने से रोकता है। इसमें पानी छलनी के माध्यम से नीचे जाता है। छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं जो पानी के प्रवाह को धीमा करते हैं। बिना छलनी के पानी तेज गति से गिरेगा, जो रेत और बायोलेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। रेत के ऊपर जो पानी खड़ा रहता है उसे स्टैंडिंग वाटर लेयर कहते हैं। इसकी मोटाई रेत के ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपकी उंगली के 2 पोरों के बराबर। अगर खड़ा पानी इससे गहरा है तो ऑक्सीजन बायोलेयर तक नहीं पहुंच सकेगी, और यह कम है तो बायोलेयर के सूख कर खत्म होने की आशंका रहती है। स्टैंडिंग वाटर लेयर के नीचे बायोलेयर और रेत होती है। जलकल्प में बायोलेयर रेत के ऊपरी तह में होती है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं जो हमें आग से दिखाई नहीं देते। रेत के नीचे पत्थर की छोटी गिट्टी की तह होती है, जो रेत को नीचे जाने से रोकती है। जलकल्प में सबसे नीचे पत्थर की मोटी गिट्टी की तह होती है, जो पाइप में रेत या छोटी गिट्टी को जाने से रोकती है। यहां से पानी पाइप में प्रवेश कर बाहर आता है। दोनों गिट्टियों की तहों के बीच स्थित तांबे का पत्रा जीवाणुओं के लिए सुरक्षा चक्र का काम करता है। ध्यान रहे कि पानी निकासी पाइप के साथ कुछ नहीं लगा होना चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि जलकल्प वाटर फिल्टर के क्या क्या घटक हैं और ये पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या क्या काम करते हैं।